स्टूडेंट टुडे वी डिस्कस चैप्टर वन द सेंटेंसेस. सो व्हाट डू यू मीन द सेंटेंसेस? यू कैन यूज इट इन डेली मैनर. लाइक व्हेन वी से समथिंग टू एनीवन वी यूज सेंटेंस. लाइक जब भी हम किसी को कोई हमें बात अपनी कहनी होती है या अपना कोई मैसेज कन्वे करने होता है तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं? सेंटेंस का यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ तो मैं अभी क्या कर रही हूँ? सेंटेंसेस का यूज़ कर रही हूँ. ठीक है, अगर सिंगल वर्ड बोलूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा? नहीं आएगा ना. तो दैट्स वाई आई यूज़ इट सेंटेंसेस. ठीक है, तो सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस. शब्दों के समूह को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस. अब ये भी जो मैंने लिखा है ये भी क्या है? ये भी एक सेंटेंस ही है कंप्लीट. ठीक है, इट इज़ इन ओरल और इट इज़ इन रिटन, ये भी एक सेंटेंस ही है पूरा. तो आप सेंटेंस की क्या बात, सेंटेंस को हम कैसे लिखते हैं? सेंटेंस जो होता है फर्स्ट लेटर ऑलवेज कम इन कैपिटल लेटर. हमेशा जो होता है सेंटेंस में जो बिगनिंग लेटर होता है वो किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. और एंड किससे होता है? एंड होता है फुल स्टॉप से, ऐसे मार्क लगता है, एंड अ क्वेश्चन मार्क लाइक दिस, अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. जब भी आपके पास कुछ भी एक्साइटमेंट होती है, कुछ खुशी वाली चीज़ होती है, सौरव वाली चीज़ होती है, तो आप लोग क्या मार्क लगाते हो? लाइक दिस. ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया था आपके बुक में, फर्स्ट पेज में जो है एग्जांपल्स दिए हुए जो कि कुछ गलत दिए हुए थे. लाइक आगरा माय ब्रदर एल्डर लिव्स इन. अब ये जो है इसकी कोई सेंस नहीं बन रही है. सो दिस इज़ नॉट अ सेंसिबल सेंटेंस. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल I change it in, I just tell you the formula S plus V plus O. S क्या होता है? Subject. S stand for subject, V stand for verb. There are two type of verb. First one is main verb and second one is helping verb. जो कि आप और brief बाद में पढ़ाऊँगी इसको, जब verb chapter पढ़ेंगे. O is our object. अब इसको हम लोग चेंज करें तो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? हम लोग इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे. आगरा माय ब्रदर एल्डर लिव्स इन. अब वो कौन क्या बात कर रहा है कि मेरा भाई कहाँ रहता है? आगरा में रहता है. तो मेरा भाई ऑब्वियसली सब्जेक्ट है ये. ठीक है, तो अब लिव्स इज ओवर वर्ब. कहाँ रहता है? इन आगरा. इन आगरा इज ओवर ऑब्जेक्ट. सो आई चेंज इट इन माय एल्डर ब्रदर लिव्स इन आगरा. ओके, अब जो है काइंड ऑफ सेंटेंसेस के आते हैं. देयर आर फोर टाइप ऑफ सेंटेंसेस: स्टेटमेंट, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी. अब स्टेटमेंट लाइक कोई ट्रू स्टेटमेंट होती है, कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट. लाइक द गंगा इज अ होली रिवर. ऑब्वियसली यस, इट्स अ ट्रू. गंगा की सब पूजा करते हैं, गंगा को सब मैया बोलते हैं ना, तो क्या होता है? गंगा इज अ होली रिवर. इंटरोगेटिव, व्हेन वी आस्क क्वेश्चन टू एनीवन. जब भी हमको किसी से भी कोई क्वेश्चंस पूछते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव बोलते हैं. लाइक मैंने आपसे पूछा हाउ आर यू. ठीक है, मैंने लास्ट में क्या लगाया? क्वेश्चन मार्क लगाया. ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना इंग्लिश की बुक में, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं. क्वेश्चंस में क्या होता है? हमेशा क्वेश्चन मार्क लगे होते हैं ना. फिर जब आप आंसर्स करते हो तो लास्ट में क्या लगाते हो? फुल स्टॉप लगाते हो. दैट इज कॉल्ड इंटरोगेशन. ठीक है, इम्पेरेटिव. इम्पेरेटिव को हम लोग एक चीज़ और कहते हैं, नेगेटिव बोलते हैं इम्पेरेटिव को. तो नेगेटिव फॉर्म में क्या यूज़ होता है? जहाँ पे भी हमारा नॉट लगता है. ठीक है, लाइक मैं जैसे बोलती हूँ डू नॉट प्ले ऑन द रोड. ऑब्वियसली डू नॉट प्ले ऑन द रोड ना, रोड पे कभी खेलना तो ना चाहिए, है ना. इम्पेरेटिव को हम नेगेटिव भी बोलते हैं जहाँ पे नो नॉट आता है. ठीक है, एक्सक्लेमेटरी में हम लोग लगाते हैं मार्क ऐसे, लाइक जैसे कभी कोई एक्साइटमेंट हो जाता है या फिर कुछ भी सॉरो वाली बात होती है, कोई भी हैप्पी वाली बात होती है, और कोई आप सरप्राइजिंग होते हो तो बहुत ज़्यादा, तो आप लोग स्टार्टिंग में ही कुछ वर्ड्स होते हैं लाइक कलास होता है, ओ होता है, आपका हुर्रा होता है. जैसे कोई मैच आप जीत जाते हो तो आप क्या बोलते हैं? हुर्रा. और फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे वी वॉन द मैच. आई लाइक दिस, मैंने एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, ओ आई लॉस्ट माय पेन. तो मैंने क्या कहा? मैंने इसमें क्या कहा कि ओह मेरा पेन क्या हो गया, मैंने अपना पेन खो दिया. ठीक है, तो दैट्स अ सेंटेंसेस. होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट. इफ यू डोंट देन आस्क मी. ओके, आई सेंड द एक्सरसाइज.
एक्सरसाइज पिक ऑन द ग्रुप, सो यू फिल योर एक्सरसाइज विद द पेंसिल इन अ नीट हैंड राइटिंग. ओके, थैंक यू.